फिर फरमाया कि अहमदियत में दाखिल होकर तुमने अल्लाह ताला के इस हुक्म की पाबंदी करनी है कि नमाज़ों को 5 वक्त उसकी तमाम शरायत के साथ अदा करना, इस बात का भी अहद करो। 10 साल की उम्र के बच्चे पर भी नमाज फ़र्ज़ है, बस वालदैन को इसकी निगरानी की ज़रूरत है, और इस निगरानी का हक तभी अदा होगा जब ख़ुद वालदैन नमाज़ों में नमूना होंगे। बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आती हैं, बहुत बच्चे भी कहते हैं कि हमारे वालदैन नमाज़ नहीं पढ़ते, या बीवियाँ कहती हैं कि खामद नमाज़ नहीं पढ़ते, बच्चे क्या नमूना देख रहे होंगे। मर्दों के लिए 5 वक्त नमाज की शरायत के साथ अदा करने का मतलब है कि मस्जिद जाकर बाजमात नमाज अदा करें, सिवाय बीमारी या किसी भी ख़ास जायज़ उज़र के। अगर इस पर अमल शुरू हो जाए तो हमारी मस्जिदें नमाजियों से भर जाएं। सिर्फ अहदेदारान ही अगर इस पर अमल करना शुरू कर दें तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। इस बारे में वक्तन फ़क्तन कहता रहता हूँ लेकिन अभी बहुत कमी है और कोशिश की ज़रूरत है। जमाती निज़ाम और ज़ैली तंजीमों को बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है इस बारे में। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स नमाज से ही फरागत हासिल करनी चाहता है उसने हैवानों से बढ़कर क्या किया, उसमें और जानवरों में तो कोई फ़र्क नहीं। फिर बस इस तरफ़ रहमती को बहुत पढ़कर कोशिश करने की ज़रूरत है।